नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मुफ्त ज्ञान गुरुजी में। दोस्तों, हमारा देश भारत जड़ी बूटियों का देश है। यहाँ पर अनेक तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है जो बहुत ही चमत्कारी गुणों से भरपूर होती है। और दोस्तों, ये चमत्कारी वनस्पतियाँ हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुण और फायदों से अनजान हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक जड़ी बूटी है जो बचपन की याद दिलाती है, जिससे बचपन में हम सभी लोग खेला करते थे, एक दूसरे के कपड़े पर मारा करते थे और यह बहुत ही आसानी से चिपक जाया करती थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूँ, वो जड़ी बूटी है दोस्तों छोटा धतूरा। यह एक जंगली पौधा होता है जो वर्षा ऋतु के आते ही सर्वत्र भारतवर्ष में पाया जाता है। ये आपको आसपास के नदी, जंगलों, झाड़ियों में मिल जाता होगा। अगर आपके आसपास खेत है तो खेत खलिहानों में भी आप इसे देख सकते हैं। इसके अन्य कई नाम हैं, जैसे कि इसे हिंदी में छोटा धतूरा, छोटा गोखरू, शंखाहुली कहते हैं, घाघरा कहते हैं, मराठी में इसे घाघरा कहते हैं, गुजराती में गादादरी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में इसे बिलया कहते हैं, असम में कनाड़ा कहते हैं, तमिल में मारुल उमताई कहते हैं और तेलुगु में मुरुल तीगु कहते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इसके पत्तों का आकार लगभग में अंजीर के पत्तों के समान ही होता है। इसके ऊपर अंडाकार फल लगते हैं जिसमें ढेर सारे कांटे भी लगे होते हैं जो कपड़ों पर चिपक जाता है। आयुर्वेद की गुणधर्म की बात करें तो यह वनस्पति ज्वरनाशक, पीतनाशक और कृमि नाशक होता है। यह प्रकृति में शीतल होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ घरेलू नुस्खे बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, छोटा धतूरा में विष नाशक गुण होता है। अगर बिच्छू, मधुमक्खी या ततैया के डंश पर यह औषधि एक रामबाण दवाई की तरह काम करता है। यदि आपको कहीं पर बिच्छू ने काट दिया है, ततैया ने काट दिया है, तो आपको इसके ताज़े पत्तों का रस वहाँ पर लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिच्छू का जहर तुरंत का तुरंत उतर जाता है। इसके साथ साथ यदि किसी प्रकार का बुखार हो, चाहे मलेरिया हो, तो दोस्तों इसके एक पत्ते के साथ 4 से 5 नीम की पत्तियों और 4 से 5 तुलसी की पत्तियों को लेकर के इसका काढ़ा बना करके ठंडा करके पीने से मलेरिया और किसी भी प्रकार के बुखार में लाभ होता है। इसके साथ साथ इसके पत्तों के अंदर जीवाणु रोधी तत्व होते हैं, यानी कि यदि आपको दाद, खाज, खुजली की समस्या है, दिनाए हो गया है, तो दोस्तों इसके पत्तों को पीस करके इससे निकलने वाले ताज़े रस को दाद, खाज, खुजली और दिनाए पर लगाने से दाद, खाज, खुजली में आराम मिलता है। यदि आपको सर दर्द की समस्या है तो दोस्तों इसके फलों को पीस करके पानी के साथ लेप करने से सर का दर्द ठीक होता है। इसके साथ साथ यदि पेट में कीड़े हो जाएं तो दोस्तों इसके पत्ते जीवाणु रोधी होते हैं, तो यदि पेट में कीड़े हो जाएं तो इसके ताज़े पत्तियों से निकलने वाला रस लगभग में 5 मिली की मात्रा में निकाल करके पीने से और 3 से 4 दिन ऐसा करते रहने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसके अलावा यदि घाव हो गया है, फोड़ा फुंसी हो गया है, घाव भर नहीं रहा है, तो दोस्तों इसके जड़ में भी जीवाणुरोधी गुण होते हैं। तो यदि इसके जड़ को पीस करके घाव, फोड़ा फुंसी पर लगाया जाए तो घाव बहुत ही जल्दी भरने लगता है। इसके साथ साथ वात जनित रोग हो जाए, जोड़ों का दर्द हो जाए, घुटनों का दर्द हो जाए, तो दोस्तों इसके पत्तियों को पीस करके हल्का सा गर्म करके जोड़ों व घुटनों पर लेप करने से वात जनित रोग ठीक होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे छोटा धतूरा के बारे में जानकारियां साझा किया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।